हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 13th ऑफ अक्टूबर से लेके 19th ऑफ अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Holy King, Seven of Chalices, Queen of Chalices, The World Tree, Page of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है Queen of Chalices. Queen of Chalices के साथ लगता है Scorpions. किसी के लिए आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स बन गए हैं। ये जो भी है, ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा। ये जो भी है, इनके लिए आप डेफिनेशन है इनके लवर की। ओके, आपसे मिलने से पहले इस पर्सन को भले ही ना पता हो कि इन्हें क्या चाहिए था, बट आपसे मिलने के बाद इन्हें लगा कि आप ही को तो वो ढूंढ रहे थे। द होली किंग के साथ ये पर्सन थोड़ा सा परेशान ज़रूर है, बिकॉज आप रिलेशनशिप के एक ऐसे पॉइंट पे हो सकते हैं जहाँ इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें। इन्हें लगता है कि आपके और उनके बीच जो दूरी है, उसे दूर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सेवन ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन आपको परफेक्शन के तौर पे देखता है। उन्हें लगता है कि आप परफेक्ट हैं एंड आपके जैसा कोई नहीं। इस पर्सन को लगता है कि जब बात आती है उनकी और आपकी, तो एज अ कपल आप देखने में भले ही अच्छे लग सकते हैं, मगर वो आपके काबिल है नहीं। इस पर्सन के मन के अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटीज भी हो सकती है, जो कि कभी कभी जेलस में भी बदल सकती है। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप बेटर हैं। इनफैक्ट इस पर्सन को हो सकता है कभी कभी इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हों अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर्स से कि आपको तो बहुत अच्छा पर्सन मिल गया रिलेशनशिप में आने के लिए, आप जैसा डिजर्व करते थे उससे कहीं बेहतर, आपसे बेहतर लोगों को भी इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं मिला, इतना अच्छा कोई नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को कभी कभी बहुत इरीटेट भी करती हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका वर्थ कम हो जाता है, उनकी अहमियत घटती है, और इसलिए यह पर्सन काफ़ी साइलेंट भी हो सकता है। ओके, द होली किंग के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि वो क्या करे, किस तरीके से रास्ता निकाले इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, और फिलहाल ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। ओके, आपको समझ नहीं आएगा कि ये पर्सन है कौन और चाहता क्या है। कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको पूरी तरह से सिक्योर फील कराना चाहता है, लाइक वो आपसे ही प्यार करते हैं और ये रिलेशनशिप जो है वो हमेशा सिक्योर रहेगा। और दूसरी तरफ कभी कभी आपको लग सकता है कि ये पर्सन श्योर भी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके या आपको लेके, एंड ये वीक बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। फिर हमारे पास द वर्ल्ड ट्री का भी कार्ड है। यहाँ पे लगता है जैसे कि फाइनली एक ऐसा फेज आ गया है जहाँ पे कुछ तो चेंज होगा। ओके, ये एक ऐसा वक्त है जहाँ बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि सेवन ऑफ चैलेंजेस के साथ जो भी वहम थे, जो भी आइडियाज थे आपको इस पर्सन के बारे में, वो सब धीरे धीरे क्लियर होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वो पर्सन है जिसे लगता है कि आपके अंदर कोई मैजिक है और आप पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं उनके दिमाग में हमेशा रहना सुबह से शाम तक। लाइक ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि वो आखिर इतना क्यों सोच रहा है आपके बारे में, और उन्हें लगता है कि ज़रूर आपके बारे में ही कुछ स्पेशल होगा, बिकॉज ऐसा वो तो किसी और के लिए फील नहीं करते। अगर ऐसे वो होते तो उन्हें सबके लिए वही फीलिंग्स महसूस होती। तो ये पर्सन जानता है कि आप उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो ये भी जानते हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाए,
तो हो सकता है ये फीलिंग उन्हें दोबारा कभी ना हो, उन्हें कभी दोबारा ऐसा महसूस ना हो, इस तरीके का मैजिक। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, 2023 ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ चैलिसेस, टू ऑफ एथेंस, एस ऑफ वांड्स, द विच, एस ऑफ चैलिसेस। तो हमारे पास है सिक्स ऑफ चैलिसेस। लगता है जैसे आप इस पर्सन के साथ एक लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, और अगर नहीं भी हैं तो भी ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। लाइक आप दोनों के बीच ऐसा कनेक्शन है जो काफ़ी लंबे समय के बाद भी नहीं बन पाता। एंड जब से आप मिले तब से ही इस पर्सन को पता था कि आपके बारे में कुछ खास है। टू ऑफ एडम्स के साथ ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज करेगा। ओके, इस वीक में ये पर्सन आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ये पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहा है बार बार, और इसीलिए आपको नो भी नहीं कह सकता, मूव ऑन भी नहीं कर सकता। इस पर्सन को पता है कि आप वाकई में एक गिफ्ट है जैसा दूसरे लोग उन्हें बता रहे हैं, बट दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि शायद वो आपके काबिल नहीं है या उनके अंदर कोई कमी है। तो इसीलिए भी ये पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। कोई बात इनके मन के अंदर बैठ गई है, वो भी आप दोनों के कंपैरिजन को लेके, और ये पर्सन इस बात से बहुत परेशान है। एस ऑफ वांड्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें इस रिलेशनशिप को संभालना चाहिए, चाहे जो भी हो रहा हो वो टेम्प्रोरी है और गुजर जाएगा। बट उनका ये एस ऑफ वांड्स तो उनका ही रहना चाहिए, उनको जो भी गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से वो उनका ही रहना चाहिए। बिकॉज उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते थे उन्हें बिल्कुल वैसा ही पर्सन मिला है। ओके, एंड उन्हें लाइफ में कई सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो सकता है। अगर आप उनके पास्ट में जाएं तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जहाँ पे इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। पहली बार उन्हें लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ उन्हें यूनिवर्स ने दी और उससे वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ओके, एंड वो है ये लव और आप। हमारे पास द विच का कार्ड है, तो द विच के कार्ड के साथ फिलहाल टैरो आपसे कह रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों से जो आपके आसपास हो रही हैं, बिकॉज़ आप परेशान होके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको जो करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पर्सन को इस हर्मिट मोड में रहने दीजिए कुछ वक्त। ओके, मतलब अगर ये आपसे खुद से कम्युनिकेट नहीं करते तो उन्हें उनका स्पेस लेने दीजिए। आपको अपनी तरफ से कुछ करने या कहने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन खुद ब खुद एनालिसिस करेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और खुद ब खुद एक रास्ता निकालेगा, क्योंकि मैं एस ऑफ चैलिसेस देख रही हूँ। तो इन दी एंड तो मुझे आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप जैसा चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, आपको वही मिलेगा। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि कभी कभी एफर्ट करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम वेट करें सही चीज़ों के आने का। ओके, तो यहाँ फिलहाल आपको वही करने की ज़रूरत है। फिलहाल एफर्ट करने से अच्छा होगा कि आप कुछ वेट करें। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्ट बैदन, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वक्त है नेचर से कनेक्ट होने का। नेचर आपको हील करेगी और आपकी हेल्प भी करेगी अपने आप को फाइंड आउट करने में, अपने आप को खोजने में। इस वक्त ज़रूरत है आप रिलैक्स करें बजाय अपने पीस ऑफ माइंड को खोने के। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद का ख्याल रखना, बिकॉज जब आप पॉजिटिव होंगे तो सबको वो चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी और सब आपकी तरफ अट्रैक्ट
ऑटोमेटिकली होंगे. लाइक आपको जरूरत नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने की, बट अगर आप कोई रिजल्ट या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए खुद पे वर्क करना ही सबसे अच्छा तरीका होगा. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.